स्प्लिट्स वाला कंटेस्टेंट ने कहा मायशा अय्यर और ईशान सहगल की लव स्टोरी को फेक। आखिरकार ये कंटेस्टेंट क्यों कह रही हैं मायशा और ईशान की लव स्टोरी को फेक, चलिए पूरी खबर मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि जिस स्पीड से मायशा अय्यर और ईशान सहगल की लव स्टोरी बढ़ रही है, बिग बॉस 15 के हाउस में उनका रोमांस आए दिन देखने को मिलता है। जब भी वो रोमांस करते नजर आते हैं, घर वाले चिढ़ाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते और इवन फैंस को कभी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है उनका रोमांस, लेकिन कभी फैंस उन्हें इस बात के लिए ट्रोल तक करने लगते हैं। वेल, आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि मायशा और ईशान सहगल का लव स्टोरी, उनकी जो ये रोमांटिक अंदाज है, वो सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है, सिर्फ फुटेज के लिए है और फेक है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये रियल है। वेल, आपको बता दूं कि घर वालों के साथ साथ स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट को भी लगता है कि ये जो बिग बॉस 15 की ये जो जोड़ी है ईशान सहगल और मायशा अय्यर की, वो फेक है। जी हाँ, उनका नाम है भव्य सिंह। भव्य सिंह स्प्लिट्स विला की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और ऑब्वियस है मायशा भी स्प्लिट्स विला की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और इनकी एक्स कंटेस्टेंट ने कहा है कि इन दोनों की लव स्टोरी फेक है, क्योंकि ऑब्वियस है वो भी इस शो में जब होंगी तो मायशा के साथ, तो वो मायशा को कहीं ना कहीं जानती भी होंगी और मायशा ने कई बार उनसे रिश्ता तोड़ने का भी बात किया है ईशान सहगल से। तो इस बात से लगता है कि मायशा जरूर कर ही है सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा और बिग बॉस 15 में फुटेज और एक अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए ईशान सहगल को यूज कर रही है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या भव्य सिंह की ये स्टेटमेंट सच है ईशान सहगल और मायशा अय्यर के लिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।